रैवियोली बनाना बहुत ही आसान है, बट वेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट दिस डिश इज अ नॉवेल्टी डिश. पूरी रेसिपी मैंने बनाई है, दैट इज इनफ फॉर एटलीस्ट 4 to 5 पीपल, एंड यू नो हाउ मच डिड इट कॉस्ट मी? ओनली दैट मच. हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना. मैं हूं पल्लवी और आपके लिए लाई हूं रेसिपीज जो है गोरमे, फैंसी एंड टेस्टी, बट ऑल अंडर बजट. और अगर आप ये रेसिपी की वीडियो पे आए हैं, यानी कि आपको रैवियोली बनाना है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस. सो रैवियोली इज एन इटालियन डिश, इट्स अ स्टफ्ड पास्ता, उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टफिंग होते हैं, बट वेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट this dish is a novelty dish. Okay, so this is going to cost you about 600 to 700 rupees in a fancy place. So itna kharcha kyun kare jab aap ghar pe bana sakte hain aur wo bhi bahut hi kam budget mein. To chaliye banate hain ravioli. It's very simple, we are going to make the dough from the scratch. For that we need some refined flour, that's maida. Let's sift the flour. Sifting se jo bhi lumps hote hain wo nikal jate hain aur jo dough aur jo flour hai wo bhi light ho jata hai. So this is done. अब इसमें हम डाल देंगे नमक, अ गुड जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑलिव ऑयल, इसे मिक्स कर लेते हैं. इसमें डालेंगे पानी. आइडियली इसमें अंडा पड़ना चाहिए, बट आई एम मेकिंग एन एगलेस रैवियोली, सो इसमें हम पानी डालेंगे. आई नो हमने पास्ता के डो में ऑलिव ऑयल डाला है, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट बहुत सारे जगहों पे वन ऑन वन होता है, सो ऑलवेज लुक फॉर देम. एंड इन केस यू डोंट गेट ऑलिव ऑयल और यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ ऑलिव ऑयल बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड सिंपली यूज़ रेगुलर ऑयल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं सो दैट ये सॉफ्ट बने. सो रैवियोली के लिए हमें एकदम स्टिफ डो बनाना है, जैसे पूरी के लिए बनाते हैं, बट उससे थोड़ा सा सॉफ्ट. तो दिस इज़ लुकिंग प्रिटी मच डन. और इसे एक गीले मलमल से कवर करके रख देंगे साइड में फॉर अबाउट 15 टू 20 मिनट्स. सो नाउ फॉर द रैवियोली स्टफिंग, लेट्स टेक अ ब्लेंडर जार. सो इसमें हम डालेंगे पनीर. आई एम यूजिंग पनीर क्योंकि क्रीम चीज़ या रिकॉटा चीज़ जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, एंड रिकॉटा इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर टू पनीर. तो इसमें चला गया पनीर. इसमें हम डालेंगे लेमन जूस टू एड अ नाइस टार्टीनेस. डाल देंगे नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम मिल्क जस्ट टू हेल्प द पनीर ब्लेंड. न्यूट्री ब्लेंड में से ब्लेंड कर लेंगे. ओके, नीड्स अ बिट ऑफ मिल्क, बट आई एम गोइंग टू ऐड अ बिट ऑफ वाटर. इट्स डन, इट्स नाइस एंड स्मूथ. इसे अभी क्रंची बनाने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम, और इसमें मैं डालने वाली हूँ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न कर्नल्स यानी मकई के दाने. थोड़ा सा चॉप्ड पार्सले डाल देंगे. अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ब्लांच्ड एंड चॉप्ड स्पिनच लीव्स यानी कि पालक के पत्ते, और इसे अच्छे से मिला लेंगे. इसे आप ऐसे डिप की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू यूज़ इट एज अ स्टफिंग फॉर द रैवियोली. ओके, दिस इज़ लुकिंग नाइस, नाइस एंड क्रीमी. सो डो जब तक रेस्ट हो रहा है तब तक इसका एक सॉस बनाएंगे जो होने वाला एक नाइस क्रीमी रोस्टेड गार्लिक सॉस. इसके लिए ले लेते हैं एक पैन, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल एंड बटर. और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा पानी रखा हुआ है फॉर बॉइलिंग, दिस इज़ फॉर द रैवियोली, इसको बॉयल आने देना है. तो इसमें मैं अभी होल गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, एंड आई टेल यू वाई. पहले इसे पका लेते हैं टिल इट टर्न्स नाइस एंड गोल्डन. धीमी आंच पे पकाएंगे. सो द गार्लिक इज़ लुकिंग नाइस एंड गोल्डन ब्राउन. इसे बस थोड़ा और पकने देंगे फॉर अबाउट अ मिनट. गैस बंद कर देंगे, और ये जो गार्लिक है इसे ये एक हमाम दस्ते में यानी कि एक मोटर पेसल में डाल देंगे. अब इसे धीरे धीरे से मैश कर लेंगे. सो दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप, अगर आप चाहते हैं तो आप चॉप्ड गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ स्मूथ सॉस, इसीलिए मैं इसे क्रश कर रही हूँ. सो दिस इज़ लुकिंग गुड. यस, दिस इज़ ब्यूटिफुल गार्लिक गुडनेस. नाउ लेट्स मेक द रैवियोली. डो का एक पोर्शन ले लेते हैं, इसका गोला बना लेते हैं. वर्कटॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, और इस डो के ऊपर भी. अभी
लेट्स मेक अ रैवियोली. इसे एक लंबे स्ट्रिप में रोल करेंगे. पतला इसे रोल करना है. थोड़े एजेस को इवन रखिएगा जितना हो सके उतना. उसे रोल करते रहिएगा. सो इस चॉपिंग बोर्ड में मुझे रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द चॉपिंग बोर्ड एंड प्लेस इट ऑन द वर्कटॉप, अ क्लीन वर्कटॉप ऑब्वियसली. सो डो को रोल करने के बाद अभी बारी आती है रैवियोली बनाने का. तो रैवियोली बनाने के लिए कटर्स होते हैं, जिसे रैवियोली कटर्स कहते हैं. ऐसे होते हैं जिसके ऊपर ये ऐसा होल्डर होता है. बट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑनेस्टली अननेसेसरी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये क्रिंकल कुकी कटर्स, जो बहुत ही इजीली मिल जाते हैं. अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी का कोई बॉटल के ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स ऑल अप टू यू, बट टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन. नाउ लेट्स गेट टू इट. थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे. इसके साइड्स में पानी लगा देंगे. So that when you fold the dough, it sticks to each other. Stuffing के sides में लगा देंगे. So इसे अभी carefully fold करेंगे like this, yes. और हर stuffing के बाजू में इसे अच्छे से press कर देंगे जो हमने पानी लगाया था. अब थोड़े से flour में इस cookie cutter को ऐसे dab करेंगे. So this is done. Ravioli is now ready to be boiled. Let's put some salt in the boiling water. इसमें डाल देंगे थोड़ा सा oil. So इस boiling water में अभी ये डालूंगी मैं ravioli जो हमने बनाया है. एकदम gently slide करेंगे और इसे boil करेंगे. और इसे पकाना है जब तक कि जो ravioli है ना वो ऐसे float करने लग जाएगा. And that time you know that it's done. So while the ravioli is cooking, let's get into the sauce. ओके सो जो हम सॉस बनाएंगे जिसमें हमने गार्लिक को पकाया था, उसी बटर में अब हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा. और इसे पका लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन और फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता. इफ़ यू थिंक द बटर इज़ लेस, यू कैन ऐड सम मोर बटर. सो नाउ दिस इज़ लुकिंग गुड, इट्स स्मेलिंग वेरी नाइस. अब हम इसमें डाल देंगे दूध. सो धीरे धीरे करके इसमें मिल्क डालेंगे. और इसे अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि कोई गुठलियाँ ना हो. अगर सॉस में आपको लगे कि थोड़ी गुठलियाँ आ गई है तो डोंट वरी, एक विस्क का इस्तेमाल कर लीजिए एंड इट शुड बी ऑल फाइन. और इसी में हमने जो गार्लिक का मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे. नाइस एंड स्मूथ गार्लिक ही. और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. जैसे सॉस पक रहा है ये रैवियोली ऑलमोस्ट डन है एज यू कैन सी. सो जैसा कि आपने देखा ये धीरे धीरे फ्लोट होने लग गया ऊपर, विच मीन्स दैट द रैवियोली इज डन. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये जो पास्ता का पानी है उसे ले लेंगे और उसे इस सॉस में डाल देंगे. तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश हर्ब्स. मैं फ्रेश थाइम का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे यहाँ पे इजीली मिल गया तो मैंने ले लिया. अगर आपके पास ड्राइड हर्ब्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसी के साथ थोड़े बहुत रोजमेरी के पत्तों को डाल देंगे और इसे मिला लेते हैं. इसमें हल्का सा चीज़ डालेंगे टू ऐड अ नाइस चीज़ी फ्लेवर. प्लेन प्रोसेस चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ. सो जो पास्ता का हमने पानी डाला था उसमें सॉल्ट है, चीज़ में सॉल्ट है, बटर में सॉल्ट है. सो सॉल्ट हिसाब से डालिएगा. मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालने वाली हूँ अब. और इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर. और ये जो पास्ता है उसे डाल देंगे इसमें. सो इस रैवियोली को हम एकदम धीरे से इस सॉस में डाल देंगे. इसे बस अभी एक मिनट पका लेंगे. सो जो रैवियोली है वो सॉस में अच्छी तरह से कोट हो चुका है. इट इज नाइस, इट्स लुकिंग क्रीमी एंड टेम्पटिंग. नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन, द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू इज सर्व इट अप. सॉस को थोड़ा मैंने लिक्विड ही कर लिया है बिकॉज वो बहुत ही थिक हो गया था. अब रख देंगे रैवियोली को इसके ऊपर.
Let's add some red chili flakes to add some color, and I'm going to sprinkle some chopped parsley. So there you have it. Ravioli is now ready. We have made this creamy garlicky sauce, which is perfect for this one. वैसे रेवियोली के बहुत सारे सॉसेस बनते हैं. एक सिंपल सॉस बनता है बटर और सेज का, या फिर इसे आप नॉर्मली जो पिज्ज़ा सॉस बनाता है अराबियाता सॉस होता है उसमें टॉस कर सकते हैं. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज रेवियोली बनाना बहुत ही आसान है. सो प्लीज डू ट्राई आउट दिस रेसिपी, बिकॉज यू नो वॉट, ये पूरी रेसिपी मैंने बनाई है, दैट इज इनफ फॉर एटलीस्ट 4 to 5 पीपल, एंड यू नो हाउ मच डिड इट कॉस्ट मी, ओनली दैट मच. सो ये रेसिपी ज़रूर बनाना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. एंड फॉर मोर सच अमेजिंग रेसिपीज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल संजीव कपूर खजाना. आई विल सी यू वेरी सून विद मोर रेसिपीज ऑन फूड ऑन बजट. अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड एज आई ऑलवेज से, कीप कुकिंग बिकॉज इट्स वर्थ इट.